मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराभिर्महे वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीहि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु मा अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्
Thank you.
जानते हैं जब किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी तो उसी के आखिरी आखिरी में ये विषय आया कि हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में अपनी टुकड़ी अपने दल के साथ चले। तो जब वो छलांग लगाने को हैं वहाँ से सुंदरकांड आरंभ होता है। वाल्मीकि जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदरकांड, गोस्वामी जी ने नाम रखा पंचमः सोपानः। पंचमः सोपानः ये पांचवी सीढ़ी है, तो नेचुरली यहाँ भी जल धीरे धीरे गहरा होता जाता है। तो कोई पहली सीढ़ी पर
पहली सीढ़ी पर आते ही स्नान की पूरी संभावना बन जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, जो लोग हर की पौड़ी पे गए होंगे तो एक एक सीढ़ी उतरते जाते हैं और धारा तेज लगती है, पैर उठने लगते हैं। मैंने हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ जो घाट बनाने की प्रथा रही है तीर्थों में, वो काफ़ी अंदर तक सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ तक जाती हैं जहाँ आप डूब जाओ। तो सातवीं जो सीढ़ी है ना उत्तरकांड, वो डुबाने वाली सीढ़ी है, वहाँ तैरना आना चाहिए। तो नहीं तो दूसरी तीसरी ठीक है। वाल्मीकि जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। सुंदरे किम न सुंदरम, कहते हैं सुंदर कांड में क्या नहीं है जो सुंदर नहीं है। तो बाल कांड बाल्यावस्था को लेकर के है, अयोध्या कांड जो भगवान की अधिकतम लीलाएं अयोध्या में हुई इसलिए उसका नाम पड़ा अयोध्या कांड। फिर वन में जो प्रवास किया भगवान ने उसके कारण तीसरे अध्याय का नाम पड़ा अरण्य कांड। और फिर किष्किंधा में लीला हुई इसलिए चौथे अध्याय का नाम पड़ा किष्किंधा कांड। तो कहीं तो आयु के अनुसार और कहीं देश के अनुसार कांड का नाम पड़ा। इसी तरह से लंका में जो लीलाएं हुई तो उनका नाम, उस कांड का नाम पड़ा लंका कांड। और फिर भगवान के वनवास के उत्तरार्ध में जो लीलाएं हुई उन सारी लीलाओं को समेटने के लिए